नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके ही यूट्यूब चैनल मैथ्स का नायक में। और आज हम पीछे जो क्लास हुई थी मेज़रमेंट की, आप सभी को पता है बहुत अच्छी क्लास थी। जो बच्चे नए हैं उस क्लास को ज़रूर देखें। और आज भी हम मेज़रमेंट पढ़ने वाले हैं। किसका मेज़रमेंट करेंगे? आज हम टाइम का मेज़रमेंट पढ़ने वाले हैं। किसका पढ़ने वाले हैं? टाइम का मेज़रमेंट हम आज पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूँगा आज ये क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी। जिस तरह से पीछे मैंने मीटर को सेंटीमीटर में इस तरह से कन्वर्ट करना आपको सिखाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी सीटेट और रीट के लिए। यहाँ से प्रश्न, दो से तीन प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। टाइम मेजरमेंट क्या होता है, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटी मोटी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा ये पूरी क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़, स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस करें और उस पर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ आप शेयर जरूर करें हमारी वीडियोस को टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, जिससे और साथी जुड़ पाएँ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सिंपल सा मेथड देखना है इसके अंदर, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ चीज़ बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। देखो, टाइम के अंदर टाइम का मतलब क्या होता है कि टाइम हम लेते हैं एक दिन से, है ना। सबसे पहले तो एक चीज़ समझेंगे सारे बच्चे कि टाइम अगर हम घड़ी में देखें तो घड़ी में कितने होते हैं? 12 घंटे होते हैं, है ना। लेकिन दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक ध्यान रखना, जो टाइम होता है इसको दो टाइप से टाइम दिया होता है, एक तो 12 घंटे, है ना, सॉरी आवर्स 12 आवर्स, और एक 24 आवर्स। हमारी क्लॉक के अंदर कितने घंटे दिखाई देते हैं? 12 घंटे, उसके बाद में 1 2 3 वापस डिजिट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डेज में 24 आवर्स होते हैं। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 24 आवर्स ही हम लेके चलेंगे। आप जानते हो कि 24 आवर्स में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर, कि इसके अंदर जब 1 बजे है ना, तो 24 आवर्स जब हम लेके चलेंगे तो 1 की जगह हम क्या बजाने वाले हैं? 13 बजाने वाले। इसी तरीके से जब 2 बजेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 14 लिखने वाले हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि रेलवे जो टाइम होता है, रेलवे के अंदर जो 13 बज गए, 15 बज गए, 18 बज गए, वो चीज़ 24 आवर्स लेके हम चलने वाले हैं, तभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। समझ पाए इस बात को? अब आप देखेंगे कि 24 घंटा, जब 1 बजा तो 13 हो गए, है ना, सिंपल सी बात है। अब आपको याद नहीं रखना है कि 13 बज रहे हैं तो कितना बजा होगा, सिंपल सी बात है। आपको ये बोले कि दोपहर के आपके 2 बजे हैं और आपको रेलवे टाइम निकालना है। क्या निकालना है? रेलवे टाइम। कुछ भी नहीं करना है, इसमें प्लस 12 ऐड कर देना, कितना आ गया? 14। तो ये 14 बज गए, बस 12 का डिफरेंस हो। देखो, आप देखते चले जाओगे ना, 3 से 15, इनका डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, यानी 12 घंटे ऐड हो रहे हैं। 12 घंटे निकाल देंगे तो ये वाला टाइम आ जाएगा अपना। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, छोटी सी बात है। चलिए एक चीज़ और, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, देखो छोटी चीज़ समझेंगे इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, अपन एक क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आप 10 बजे चलते हैं, मान लेते हैं आप 10 बजे चले, कितने बजे चले? आप 10 बजे सुबह चले, है ना, किसी पॉइंट से चले, और इस पॉइंट से चलकर यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचे, आप कितने बजे पहुंच गए? सर आप 3 बजे पहुंच गए, 3 बजे दोपहर को पहुंच गए। यहां से यहां पहुंचने में आपको कितने घंटे लग गए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल सी बात, आप क्या बताओगे? आप यही कहोगे कि 10 बजे, 10 बजे के बाद में 11, 12 और 1, 2 और 3, है ना, यही हो गया 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से बच्चे निकाले, लेकिन ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना आप सभी को इस तरह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि 10 बजकर मान लेते 15 मिनट आपको दे दे, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, कोई सिंपल डिजिट है। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर इतने बजे चले और हम पहुंचे कितने बजे? 45। अब बताओ इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हो आप सब? अगर यहाँ पर मैं 12 ले लेता सपोज दे, तो डिफरेंस निकालते ना इन दोनों कितने घंटे लगे, तो 12 में से आप 10 माइनस कर देते, आपको सर 2 घंटे लगे। यही करते ना, क्या इसमें भी यही करोगे क्या?
बिल्कुल इसी में यही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सुबह की बात हो रही है, ये सुबह की बात हो रही है और ये शाम की बात हो रही है ना, दोपहर की बोल ली या शाम की बोल लो, ठीक है। अब देखेंगे, अब इस क्वेश्चन को इसमें से माइनस नहीं कर सकते, क्या 3.45 में से इसको माइनस कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आपको इस तरह से सुबह का समय दिया और शाम का समय दिया और हमें बीच में घंटे निकालने हो और मिनट के अंदर कुछ दिया हो, तो इस समय को, दोपहर वाले समय को, जिसे हम पीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएम, इस पीएम को कन्वर्ट कर लेंगे 24 आवर्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, अभी मैंने सिखाया था कि एक बज रहे तो एक बजे तक कितने बजेंगे, 12 ऐड कर देंगे तो 13 बजे, इसमें कितने बज रहे हैं, इसमें 12 ऐड कर देंगे, 12 और 3 कितने होते हैं, 12 और 3 15 होते हैं, तो 15:45 हो रहे हैं। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, हमेशा 24 आवर्स में से कन्वर्ट करके ही माइनस निकालना है। अब आप करोगे तो 15 और 45, अब यहाँ पर 10 और ये 15, अब ये माइनस होगा, 0 हो गया और 4 में से एक गया 3 और ये 5, और ये 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, समझ में आ गया। ये फंडा होता है, इस तरह से इसको अगर आप याद रख पाओगे तो, ठीक है, आया काम। चलिए कुछ और देखते हैं, हम और चीज़ें समझते हैं इसी में। देखो, टाइम की जब भी बात होगी ना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल जड़ से उठा के चल रहा हूँ चीज़ों को, टाइम की बात होगी तो हम डेज पे चलेंगे, एक दिन की बात करेंगे, डेज में क्या होते हैं आवर्स, आवर्स में क्या होते हैं मिनट्स, मिनट में क्या होती है सेकंड्स, है ना। अगर हम एक दिन में बात करें, अगर एक डेज की बात करें, यहाँ पर वन डे की बात करें तो कितने घंटे हो गए सर, 24 घंटे हो गए, है ना, और एक घंटे मिनट कितनी होती है, यहाँ चलेंगे 1 आवर्स कितनी मिनट होगी सर, 60 मिनट होगी, और यहाँ चलेंगे एक मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं सर, 60 सेकंड होते हैं, सिंपल सी बात समझे। अब आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि एक दिन में कितनी सेकंड होती है, एक दिन में कितनी सेकंड होती है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, तो करना क्या है, डे से कहाँ जाना है, सेकंड पे जाना है ना, ध्यान से समझे सारे बच्चे, डे से सेकंड पे जाना है, तो कैसे चलेंगे, डे से आवर्स पे जाएंगे, आवर्स से मिनट पे जाएंगे, मिनट से सेकंड पे जाएंगे, डे कितने हैं सर, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, आपसे प्रश्न पूछेगा, एक इंटू में एक दिन में घंटे कितने होते हैं सर, एक दिन में घंटे 24 होते हैं, ठीक है, इंटू में फिर वापस चले मिनट पे आए, मिनट में कितनी होगी 60 मिनट होगी, मिनट से सेकंड पे चले तो एक दिन में सेकंड कितनी होती है 60, इन सबको जब मल्टीपल कर दोगे ना आप, तो आपका जो भी आंसर आएगा ना वो क्या आ गई, 1 डे सेकंड आ गई, बताओ समझ में आया क्या नहीं आया, आ गया होगा अच्छे से। अब आपसे पूछे कि 2 दिनों में कितने सेकंड्स होते हैं, अब आपसे प्रश्न में ये पूछ लेता कि 2 दिन के अंदर मिनट्स कितने होते हैं, है ना, आपसे फाइंड ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि फाइंड 2 डेज इक्वल में मिनट, कि 2 दिनों के अंदर मिनट कितने होते हैं टोटल, 2 डेज के अंदर टोटल, है ना, ये प्रश्न पूछ लिया, सपोज दैट, तो दिन कितने की बात हो रही है सर, 2 दिन की बात हो रही है ना। फिर अब आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, डेज पहले से मल्टीप्ल कर दिया 2, तो 24 से मल्टीप्ल कर देंगे, सिंपल सी बात है, फिर घंटे से कहाँ जाएंगे, मिनट पे जाएंगे, तो मिनट से मल्टीप्ल कर देंगे, अब मिनट से सेकंड पे जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, क्यों, निकालना क्या भाई, मिनट निकालना है, यहाँ क्या निकालनी थी, सेकंड निकालनी थी एक दिन में, तो बस इतना छोड़ देंगे, और इन सबको जब मल्टीप्ल करेंगे तो आपका जो मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा कि 2 दिन के अंदर मिनट कितनी होती है, आया समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको आराम से समझ में आएगा। दोस्तों, जैसे एक ऐसा प्रश्न आपको दे दिया कि 2 घंटे 25 मिनट 15 सेकंड में टोटल सेकंड कितनी होती है, इस पूरे के अंदर सेकंड कितनी हुई निकालना है, तो देखो पहले सबसे पहले 2 घंटे में बात करेंगे, अगर 2 घंटे की बात करें तो 2 आवर्स में सेकंड कितनी होती है, आप बताओगे सर 2 घंटे के अंदर सेकंड कितनी होती है, क्योंकि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, एक दिन में 3600 सेकंड्स होती है, तो 2 को मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि डेज कितने हैं सर, 2 हैं तो 3600 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 7200, ठीक है। अब 25 मिनट की बात कर रहे हैं, है ना, 25 मिनट की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 25 में कितना हो जाएगा, 25 से मल्टीपल कर देंगे 1500 हो गया, कितना हो गया 1500 हो गया, उसके बाद में अपने को 15 सेकंड दे रखे हैं, ये तो निकालना नहीं, सीधे लिख देंगे
तो 15 सेकेंड आप ऐड करोगे, 5, 1, 7 और 8 इतने सेकंड्स होते हैं इसके अंदर। बड़ा सिंपल था ये, लेकिन अक्सर अमूमन मैं देखता हूँ ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने नहीं लिखी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक ट्रेन है या एक व्यक्ति मान लीजिए, एक ट्रेन मान लीजिए या एक कार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं ट्रेन मान लेते हैं, एक ट्रेन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ट्रेन। एक ट्रेन है वो स्टेशन ए से चलती है, कितनी एएम का मतलब सुबह चलती है, 8:49 पर चलती है। कोई स्टेशन बी है वहां पर पहुंच जाती है वो दोपहर में 1:45 पर। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया कि ट्रेन यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय ले रही है, कितने घंटे में वह पहुंच रही है। कैसे निकालोगे इस प्रश्न को? स्टार्ट में कुछ चीज बताई थी ना मैंने, इसमें से इसको माइनस कर दें तो बीच वाला घंटा आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखूंगा ये पीएम है और ये एएम है। मैंने आपको बताया था यहां पर जब भी 12 के बाद में जब 1, 2, 3 जो भी बचता है उसको 24 आवर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या करूंगा, 12 ऐड कर दूंगा, 12 आवर्स ऐड कर दूंगा। तो एक घंटा पहले ये हो गया, तो ये हो गया 13:45 हो गई, कितने हो गए 13:45 पीएम हो गया। अब बड़ा आसान हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। नाउ अब इसका करने का तरीका देखेंगे सारे बच्चे, ये कितना 8 और 14। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर कैसे माइनस करें, है ना, दिक्कत होगी क्योंकि ऊपर डिजिट छोटी, 45 में से 49 नहीं जाएगी, क्योंकि मिनट में से मिनट माइनस करेंगे और घंटे में से घंटे माइनस करेंगे। ठीक, अब यहाँ से जब हम कैरी लेंगे ना, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो सिर्फ यहाँ 13 घंटे हैं, 13 आवर्स हैं, 13 आवर्स हैं। यहाँ से एक कैरी लेंगे मतलब एक घंटा कैरी लेंगे, एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट। इसका मतलब यहाँ से कैरी लेंगे तो एक घंटा चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 45 मिनट है, प्लस में कितनी मिनट और ऐड हो जाएंगे, 60 मिनट ऐड और हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने बच जाएंगे, यहाँ सर 12 घंटे बच जाएंगे। तो मैं इसको लिख दूँ सीधा, तो मैं यहाँ बता दिया मैंने, अब मैं इसको एक घंटा इधर भेज दिया तो यहाँ कितने घंटे रहेंगे 12, या 45 मिनट है, 45 प्लस में 60 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 105, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी आप सभी को? अब इसमें से माइनस हो जाएगा, मिनट में से मिनट माइनस कर देंगे, 105 में से 49 माइनस करें तो कितना आएगा, आप सभी जानते हैं 56 आ जाएगा, है ना, 56 ही आएगा क्या, देखो हाँ 56 आ जाएगा। 12 में से 4, तो 4 घंटे 56 मिनट का समय लेती है ट्रेन ए से बी स्थान पर पहुंचने में, या ए स्टेशन से बी स्टेशन पर पहुंचने पर। यह चीज समझने की है, क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन ये बारीकियां जो है यहाँ आप सीधा माइनस करते हो तो दिक्कत आती है। या मैं ये कह सकता हूँ, बहुत से बच्चे मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर भी देखे हैं, जब पूछते हैं तो वो लिखे ऐसे करने के नहीं सोचे, वो सोचेंगे ये फालतू का क्वेश्चन है, वैसे गिनने बैठेंगे 12, 1, 2, 3। अरे क्या कर रहे हो आप, मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई खेल थोड़ी ना ही हुई, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो ना तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिल सकती है। वरना जैसे भेड़े चलती है एक ही लाइन में, वैसे चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। दोस्तों मैंने कुछ दो क्वेश्चन और लिए हैं, एक जैसे क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन कि 12 जनवरी सुबह आठ बजे कोई हम कहीं से चलते हैं मान लेते हैं, और 12 जनवरी को शाम को ही पहुंच जाते हैं मान लेते हैं, पीएम पहुंच जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हम 12 जनवरी को उसी टाइम चलते हैं, 6 बजे चलते हैं पीएम इन शाम को, और अगले दिन 13 जनवरी को हम 8 सुबह पहुंच जाते हैं 8 बजे। कितना समय लगेगा इनके बीच में घंटे निकालने हैं आपको? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर आप कहोगे सर ये 12 तारीख की ही बात हो रही है, 12 तारीख को सुबह चला, 12 तारीख को शाम को पहुंचा है, तो शाम वाले टाइम को मैंने कहा 24 आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 12 घंटे ऐड करती है कितने घंटे हो गए सर, 18 बज गया, 18 में से 8 ये निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा सर, आप कहोगे 10 आवर्स, 10 घंटे लगेंगे 12 जनवरी को सुबह 8 बजे चलकर शाम को 6 बजे पहुंचेंगे, तो हमें इस सफ़र के अंदर 10 घंटे लग जाएंगे। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर 12 जनवरी को ये शाम को चलता है 6 बजे, और अगले दिन 13 तारीख को, ध्यान करना इस बात को, 13 जनवरी को सुबह 6 बजे सुबह एएम पहुंचेगा, ध्यान से समझना, 6 से 6 के बीच कितना समय हो गया, सीधी सी बात है 12 घंटे हो गए, ओब्वियसली बात है 6 बजे शाम को चला और अगले
ये अगले शाम को 6 बजे नहीं है, ये सुबह 6 बजे, तो 12 घंटे, यानी इन दोनों के बीच में कितने घंटे हो गए, यहाँ सिर्फ 12 घंटे हो गए, और बात कर रहा है सुबह 8 बजे की, तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा हो गए, 6 सुबह के 6 और 8 घंटे, देखेंगे बीच में 2 का डिफरेंस है, तो प्लस में 2 घंटे और ऐड कर देंगे, तो 14 घंटे लग जाएंगे अपने को इस टाइम में। ये होता है निकालने का तरीका। ध्यान रखना हमेशा कि जैसे सुबह अगर एएम है और शाम को 10 पीएम है, तो उनके बीच में हमेशा 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे का समय होता है, सेम टू सेम डेट है, तो मैंने सेम टू सेम का निकाला है, है ना। अगर यही ये 10 ये क्या होता है, ये ना हो कि ये एएम हो जाता, ये 10 एएम हो जाता, है ना, तो ये फिर कितने घंटे हो जाते, 24 घंटे हो जाते। समझ पाए इस बात को? बस उम्मीद करता हूँ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए कुछ आने देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप सभी को करना है और इसका कमेंट करना, आंसर का क्या आया है। कह रहे 8 घंटे आपको दे रखी है, किसके बराबर है, कितने दिनों में उतनी मिनट्स हो सकती हैं जो 8 घंटे में मिनट्स होती हैं। दिन आपके सामने हैं, आंसर आप निकालना कैसे निकालते हो और मुझे कॉमेंट करना, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में हम और कुछ डिस्कशन करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस। और एक इम्पॉर्टेंट अपील आप सभी से करना चाहूँगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, सभी से करना चाहूँगा इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, कि कल 22 तारीख है, संडे है और जनता कर्फ्यू कल लगने वाला है। सरकार नहीं लगाने वाली है, हम लगाने वाले हैं, तो प्लीज़ करके आप घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, बच्चों को ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, अवेयर करें लोगों को, और गलत पोस्ट ना करें, सोशल साइट्स का गलत यूज ना करें बिल्कुल भी, और टिकटॉक पे एंटरटेनमेंट के लिए जो वीडियोस बन रही हैं वो बिल्कुल गलत है, सरासर मजाक नहीं है, ये एक वायरस है और ख़तरनाक वायरस, जिसका प्रकोप आप सभी जानते हैं, सभी देश भुगत रहे हैं इस चीज़ को। तो सभी से अपील है कल साथ दें जनता कर्फ्यू लगाने में, और घर पर रहकर इसे सफल बनावें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ डिस्कस करें, तब तक के लिए धन्यवाद।